अपडेट इस मामले में देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई आ रही है। दर्शकों को पहले वो भी बता दें, देखिए खबर मिल रही है संसद में सेंधमारी मामले से जुड़ी हुई। चीन में बने हुए स्मोक कैन का इस्तेमाल दरअसल यहां किया गया है। हर स्मोक कैन पर चेतावनी जो है वो लिखी हुई है, पुलिस की तरफ से ये बयान दिया गया है। शिवानी बिल्कुल, देखिए जब भी ऐसी कोई भी चीज होती है, भले वो कितनी घातक हो ना हो, उसकी प्रक्रिया होती है कि कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है, चेतावनी भी दी जाती है कि इससे क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं लोगों को। ये पुलिस द्वारा भी जानकारी आई है कि सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर समझकर उनका इस्तेमाल किया था इन सभी आरोपियों ने। दिल्ली पुलिस के मुताबिक संसद हमले में प्रयोग किए गए चीन में बने हुए हर स्मोक कैन पर चेतावनी जो है वो लिखी हुई है। संसद भवन के अंदर चले स्मोक कैनों से माननीयों की जान को खतरा हो सकता था। ये देखिए अब ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि इसमें ये चेतावनी लिखी हुई थी। पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, वो ये कि जैसा शिवानी भी बता रही थी कि हर चीज जो भी, चाहे ये बम हो, स्मोक कैन हो, इसमें भी चेतावनी लिखी हुई थी। ये पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है जो हम आपको बता रहे हैं, स्मोक कैन से सांसदों की जान को खतरा हो सकता था। बिल्कुल, देखिए जब भी ऐसी कोई चीज होती है पुलिस द्वारा हर चीज का संज्ञान लिया जाता है। वो गैजेट भी रिकवर किया गया था और इसलिए पुलिस सूत्र बताते हैं कि सारे इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल इन्होंने अपनी इस पूरी करामात को अंजाम देने के लिए किया। अनुज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, और क्या जानकारी मिल रही है पुलिस की तरफ से? ये बयान दिया गया जिससे लगता है और ये घटना जो है वो रोक लिया गया उन दोनों को, लेकिन और घातक हो सकती थी। जी निश्चित तौर पर, जिस तरीके से इस स्मोक कैन का इस्तेमाल किया गया, साफ तौर पर चीन में ये स्मोक कैन बना हुआ था और मुंबई से इसे ये लोग जो है लेकर आए थे, लेकिन सभी स्मोक कैन में बाकायदा चेतावनी लिखी थी। उसमें बताया गया था कि स्मोक कैन का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, कभी भी बंद कमरे में नहीं करना है, बंद स्थान पर नहीं करना है, घर के अंदर नहीं करना है, और स्मोक कैन चलाने के समय बाकायदा चश्मा लगाना है, पूरी तरीके नाक कान को बंद रखना है। इस तरीके की तमाम चेतावनी जो है वो उस पर लिखी गई थी, लेकिन बावजूद इसके स्मोक कैन का इस्तेमाल होता है। बहरहाल पुलिस का साफ तौर पर ये कहना है कि अभी ललित से तमाम चीजों की पूछताछ करनी है, तफसील से पूछताछ करनी है, और जिस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले में जो लॉजिस्टिक प्रोवाइडर थे महेश और कैलाश, जिनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी और जानकारी हासिल करने की कवायद की जाएगी कि आखिरकार इस स्मोक कैन को इस्तेमाल करने के पीछे इनका मकसद क्या था। जाहिर तौर पर जिस तरीके से जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि सागर शर्मा जो इस पूरे मामले का आरोपी है, उसने खास तरीके के दो जोड़ी जूते बनवाए थे जिसमें बाकायदा कैविटी थी और इन जूतों का इस्तेमाल कर निश्चित तौर पर ये अंदर गए थे। तो फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि इस मामले की तमाम कड़ियां इस बात को भी आप समझा पाए कि फिलहाल जिस तरह से पुलिस द्वारा ये जानकारी सामने आ रही है कि पूरी चेतावनी लिखी गई थी, उसका भी ब्यौरा इन लोगों ने किया था, रेकी भी की थी, लेकिन बात करें अगर भवन की तो उतने सारे संसद वहां पर सांसद मौजूद हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है, इतनी बड़ी मूवमेंट हो सकती है, देश विरोधी ये पूरी हरकत है, लोगों की जान को खतरा करने के आरोप भी इन पर लगाए गए हैं, तो इस तरीके पर, इस तर्ज पर किस तरीके का एक्शन होगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये बात सामने आई कि बाकायदा जो पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है, जो FIR दर्ज की है, उसमें भी बाकायदा नंबर दिया गया है, 1 से 5 नंबर दिया गया है, और साफ तौर पर जो चेतावनी थी इस पूरे स्मोक कैन पर लिखा हुआ है कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, तो निश्चित तौर पर खतरा हो सकता था। ऐसे में पुलिस ये पता लगाने की कवायद कर रही है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी, क्या इस पूरी घटना को अंजाम देने के पीछे साजिश बड़ी थी। हालांकि अभी तक की जांच में जो मास्टरमाइंड है वो ललित झा के बारे में बात सामने आ रही है, लेकिन अभी पुलिस का ये कहना है कि कुछ भी ज्यादा कहना जल्दबाजी इसलिए होगी क्योंकि ललित झा से तफसील से पूछताछ होनी बाकी है। ऐसे में ये पता चलेगा पूछताछ के बाद कि क्या और ललित जो जानकारी देगा उसे क्रॉस चेक भी करेंगे अनुज, क्योंकि यहाँ देखना होगा कि पहले पता होगा आरोपियों को कि ये जब हरकत करेंगे उसके बाद उन्हें पकड़ लिया जाएगा, तो उसके बाद क्या बयान देना है, इसीलिए पुलिस को गुमराह ना करे ललित या जो आरोपी हैं, तो ये क्रॉस चेक भी किया जाएगा, इस पर नजर बनाए रखे अनुज। हम तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे, फिलहाल आपका बहुत बहुत